जब आप इसको नजदीक से देखें ना ऐसे लग रहा है कि मिट्टी है ये मिट्टी वर्ग दोस्तों कैसे हाल चाल हैं आपकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देखिए डेफिनेटली वो दोस्त अच्छे होने वाले हैं जो हमेशा ढूंढते रहते हैं मेकअप प्रोडक्ट अफोर्डेबल सो so, आज मैं इस वीडियो में फुल फेस मेकअप करने वाली हूँ इवन लैशेज एंड लैशेज ग्लू डॉलर ट्री मेकअप के साथ सो so, ये पूरी मेरी जो मेकअप की किट है अंडर ट्वेंटी डॉलर्स बनी है अठारह डॉलर लगे मेरे और ये सारे प्रोडक्ट्स खूब सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने ये खरीदे हैं डॉलर ट्री से फिलहाल डॉलर ट्री में इतनी बड़ी रेंज नहीं थी यूजली वहाँ पे आपको एल्फ भी मिल जाता है वेट एंड वाइल भी मिल जाता है पर इस बार मुझे कम मिले बट ये लुक तैयार हुई है तो so, प्लीज इस वीडियो को देखते रहिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बार में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कल मैं गई थी डोलरामा ये मेकअप को खरीदने के लिए ओके दोस्तों तो हम लोग डॉलर स्टोर पहुंच चुके हैं डॉलरामा में और यहाँ में मेकअप चार पांच ही प्रोडक्ट हैं एक तो आई की पेंसिल्स हैं मस्कारा है एंड एक आई है सो मेरी पूरी किट नहीं बन पाएगी सो मैंने फ़िलहाल के लिए प्लान पोस्टपोन कर दिया है हमारे पास डॉलर ट्री है जिसमें मैंने मेकअप देखा था मुझे लगता है वहाँ पे फुल कलेक्शन है वेड एंड की एल्फ की डॉलर का है प्रोडक्ट वहाँ पे सो वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे अब कल जाऊँगी मैं यहाँ पोस्टपोन ओके ओके वेरी नाइस ऑल राइट सो डॉलरामा से मुझे कोई मेकअप नहीं मिला सो so आज मैं पहुंच गई हूँ डॉलर ट्री मेकअप को खरीदने के लिए ओके okay, सो so मेरे पीछे यहाँ पे मेकअप है आज मुझे एल्फ के प्रोडक्ट्स या वट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स दिख नहीं रहे एल ए कलर के प्रोडक्ट्स हैं और ये है लिक्विड मेकअप मुझे लगता है एज अ फाउंडेशन काम करेगा क्योंकि इस पर लिखा है फ्लॉलेस स्किन देता है और अब टेस्टर तो नहीं है तो ऐसे ही मैं ले रही हूँ मुझे जो लगता है मेरे चेहरे के साथ मैच करेगा देखा देखा जाएगा बाद में तो so, लिपस्टिक को ना मैं नूड़ नहीं लूँगी क्योंकि नूड़ का ही शेड ना चेहरे पे बहुत अजीब दिखता है तो so, मैं थोड़ा ब्राइट किस्म का ही शेड लेने वाली हूँ एक्चुअली यहाँ पे कंसीलर भी है बिल्डेबल सारे सेम ही शेड के हैं मैंने ना कल से इस बैग में से चीजें निकाली नहीं है सो so, ये ढेर सारे प्रोडक्ट्स सारे ही अंडर ट्वेंटी डॉलर्स आए हैं और इसमें लैशज़ एंड ग्लू भी है मैं काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड हूँ पहला प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए वो इसलिए क्योंकि आ, स्किन पे गलत किस्म के फाउंडेशन लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मेरी स्किन बड़ी मुश्किल से सही हो रही है एंड बट वी गोना डू इट सो फेस के लिए मैं लेके आई हूँ तीन प्रोडक्ट जिसमें है लिक्विड मेका जैसे फाउंडेशन जो कि लिक्विड है एंड देन मेरे पास एक कंसीलर एंड है ये फेस लाइक पाउडर फाउंडेशन जिसे है हम सेटिंग पाउडर की तरह यूज़ करेंगे एंड अब मुझे शेड्स नहीं पता है कि कैसे होंगे मुझे लगता है कि मुझ पर so, सो सबसे पहला जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है फाउंडेशन जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्रीमी बेश एंड एले कल का लिक्विड मेकअप है ये इसे ओपन कर लेते हैं ओके okay, सो so, ये इतनी से क्वांटिटी है और इसमें पंप भी है सो so, मैं लूँगी टू पम्प्स फर्स्ट ये तो काइंड ऑफ ऑरेंज दिख रहा है ब्रश पे लेती हूँ मैं ओ नो शायद कैमरे में ये बिल्कुल सही लग रहा हो पर ये काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजी किस्म का आ, शेड है चेहरा ना मेरा चिट्टा हो जाएगा गोरी लगनी शुरू हो जाऊँगी मैं यार इसकी ना कंसिस्टेंसी अजीब है ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है और थोड़ा चिपचिपा भी लग रहा है फिलहाल के लिए लेटर आई डोंट नो कवरेज तो नॉट बैड है मेरे स्कार्स छुप रहे हैं एक डॉलर का फाउंडेशन है गाइस जान लोग बंदे की क्या यहाँ पे तो ड्राई होना भी शुरू हो गया ये तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा अदरवाइज वैसे ही ड्राई हो जाएगा तो मेरा शीशा ना थोड़ा ज्यादा ही दूर है मुझसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ अन्नो की तरह अन्य बंदे अन्य को हिंदी में क्या बोलते हैं अंधे की तरह बना अंधे की तरह मैं एक फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं पता नहीं कितने तो सही लगना कितने तो नहीं ऑल right दोस्तों डॉलर स्टोर का फाउंडेशन है कलर सिलेक्शन बहुत कम थी अब कवरेज काफ़ी अच्छी आ गई है और ये ना क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चिट्टा फाउंडेशन है कोई नहीं हम इतना नाउन कर लेंगे चेहरे को ज़्यादा सो so, मैं और नहीं लगाने वाली हूँ इतना ही बहुत है नॉट बैड है वैसे कवरेज पर यह है कि ये बहुत जल्दी ड्राई होता है तो आपको जल्दी काम करना पड़ेगा अब हम कंसीलर लगाएंगे मुझे लगता है कि कंसीलर का शेड मेरे साथ मैच करता होगा कंसीलर का शेड है बेस्ट यार रूमोटॉइड वाले बंदे के हाथ है ना बहुत वीक हो जाते हैं तो मुझसे ना पैकेजिंग खुलती नहीं है सो so, कंसीलर कुछ इस तरह का दिख रहा है और इसमें ये भी है जैसे फिटमी में होता है दैट्स वेरी 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 नाइस आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ ब्रश मुझे लगता है कि ये एज अ फाउंडेशन मेरे चेहरे पे ठीक लगेगा क्योंकि इसका रंग मेरी स्किन के जैसा है ऑलमोस्ट तो so, अच्छा आएगी मैं ना इससे स्कॉर्स अरे स्किन से थोड़ा डार्क है बट स्कार्स पे लगा लेते हैं थोड़ा सो डबिंग मोशन में ही हम हमारे कंसीलर को ब्लेंड कर लेते हैं वैसे ये कंसीलर दिख नहीं रहा है मुझे लगता था कि शायद हाईलाइटिंग का, का काम करेगा पर ये नहीं करेगा क्योंकि ये बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच करता है इट्स ओके इससे क्या होगा कि मेरे फेस को ज़्यादा कवरेज मिल जाएगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि मेरे चेहरे पर स्कार्स हैं काफ़ी जो आपने अर्लीयर देख ही लिए होंगे ओके नॉट बैड नॉट बैड ओके सोफार कुछ इस तरह का दिख रहा है चिट्टा काला आई डोंट नो मिक्स एंड मैच अब मेरे फेस को कर दे कॉन्टर उसके लिए मैं ब्राउनजर लेके आई हूँ एक लेके आई हूँ या नहीं प्लीज लेके दैट्स वेरी 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 सैड एक्चुअली ओके अगली चीज़ है मेरे पास ये लूज पाउडर जो कि एले गर्ल का है एंड मीडियम डीप है आई थिंक ये शायद सही रहेगा मेरे फेस को सेट करने के लिए ओके okay, सो so इस पाउडर को लेके मेरे फेस को सेट कर लेती हूँ ओके नॉट बैड ओके बैड एक्चुअली मेरे चेहरे पे डार्क ही हुए ओके okay, इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे ब्लेंड ब्लेंड कर देते हैं इसने तो मेरा चेहरा काला कर दिया ओके okay, सो so अब हम यूज़ करेंगे ब्यूटी बेनिफिट का पाउडर फाउंडेशन टू तो सेट माई फेस अब ये मुझे लाइट लग रहा है पैकेजिंग में लग रहा था कि मेरे जैसा ये पर अब लाइट है चलो जिन्ना उन्ना कर लेना एक्चुअली ये ट्रांसलूसेंट किस्म का ही है काफी लेना पड़ रहा है दिख भी नहीं रहा जो भी होया हो गया चेहरा कुछ इस तरह का लग रहा है डब खड़बा लाइक चिट्टा काला आई डोंट नो जिदा किद भी बाद चो मैनेज करते हैं अब इसको ऐसे छोड़ दूंगी मैं अगला स्टेप मैं करने वाली हूँ फेस को कॉन्ट्राउट करूंगी और उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो लूज पाउडर है शायद काम कर जाए क्योंकि डार्क है मेरे चेहरे पे ओके okay, एक्चुअली काम कर रहा है सो so, ये मीडियम डीप है जो पाउडर है लूज सो so, इसी से हमारा फेस थोड़ा काउंटर हो जाएगा सो so, अब हम करेंगे आई मेकअप आई मेकअप की प्रॉब्लम यह है कि आ, वहाँ पे कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं थी तो मैंने लिया है सिंगल आई शेडो और एक्चुअली मैंने ये ब्लश भी लिया है एलेगल प्रो का ये बहुत ही प्यारा सा पाउडर ब्लश शेड का नाम है टोस्ट सो so, सबसे पहले हम ब्लश लगा लेते हैं हमारे फेस पे कलर तो वैसे नॉट बैड लग रहा है मुझे जो पसंद है वही शेड है बस इसमें और शाइन है शाइन नहीं मुझे अच्छी लगती क्योंकि शाइन ना मेरे पोर्स को और इन्हैंस कर देती है तो वैसे कलर नॉट बैड है ओके okay, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन सो so, अब मैं क्या करूँगी ये जो ब्लश है इसी को मैं मैं ले मेरी आईज पे लगाने वाली हूँ सबसे पहले क्रीज़ में वैसे भी है ना मैं ब्लश को आई की तरह यूज़ कर ही लेती हूँ बहुत बार क्रीस में लगाने के बाद अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे एंड बाहर की तरफ हाँ पे ऐसे सिंगल आई शेडोज थे ये ब्यूटी बेनिफिट के बहुत सारे शेड्स थे तो मैंने लिया है ये बहुत प्यारा सा एक गोल्ड शेड बहुत सारी सिलेक्शन थी काले भी थे आप ले सकते हैं स्मोकी आई लुक बनाने के लिए पर मैंने एक ही लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहती थी ये बहुत ही प्यारा ब्राउनिश गोल्ड किस्म का है इससे मेरी फिंगर पर लेके मैं मेरी आईलेट वाले एरिया में लगा लूंगी Ooh, वैसे शेड अच्छा है पर इतना पिगमेंटेशन नहीं है ओके सो इसी तरह जो मैंने ब्लश लगाया था वही मैं लोअर लैस लाइन पे भी लगा लूंगी सब so बारी आती है आईब्रो की उसके लिए मुझे डाल से ये रिमल लनन की आईब्रो पेंसिल मिल गई जो होपफुली मेरे जैसे मैच करती हो क्योंकि ये डार्क ब्राउन है गोइंग ग्रे तो so मैं पहले ब्रो को ब्रश कर लूंगी जो ब्रो पे पाउडर है इसी में ब्रश भी है साइड पे तो शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा सो आई को फेल करने के लिए पेंसिल यूज करती हूँ मैं पहले कलर वैसे नॉट बैड है पर मैं ना आईब्रो को फिल करने के लिए पेंसिल बहुत कम कर यूज़ करती हूँ मैं पाउडर यूज़ करती हूँ या जेल क्योंकि मेरे आईब्रोज वैसे ही इतने फुल से हैं तो इसके साथ ना थोड़े ज़्यादा ही नकली से लगने शुरू हो जाते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पर लाइटली कर लेते हैं वैसे ब्राउन ना थोड़ा ज्यादा ब्राउन ब्राउनिश है पेंसिल के साथ ना एक थोड़ी नकली से रुकाती वो मुझे अच्छी नहीं लगती पर ये ब्रश के साथ मैं उसे थोड़ा समझ करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा असली लगना शुरू हो असली बोले तो थोड़ा लाइक लाइट या ऐसा लग रहा कि ना नकली लाइना जी लाइक पुराने जमाने में जैसे आंटिया नहीं कहती थी कहीं ओके okay, सो so, हो गया है ये अब इसको छोड़ देते हैं अब बारी आती है मस्कारा लगाने की मस्कारे के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ एलिगल का ये ब्यूटीफुल सा मस्कारा अब देखते हैं कि ये काम भी ब्यूटीफुल करता है या नहीं सो so, इस मस्कारे का नाम है वॉल्यूम मस्कार सो so, अगर मैंने आपको नहीं बताया है अर्लियर अब बता देती हूँ कि हर एक प्रोडक्ट एक ही डॉलर का है सो so, अब मस्कारा लगा लेते हैं हमारी लैशेज पे so, मस्कारा सो मस्कारा इज नॉट सो बैड पहले कोट में लैशेज दिखनी शुरू हो गई ओके है सो एक्चुअली जो आईब्रो पेंसिल है ना उससे मैं मेरी वाटर लाइन पे भी यूज करने वाली हूँ क्योंकि ब्राउन है वो और ब्राउन मुझे अच्छा लगता है उससे थोड़ा सा मैं लैश लाइन पे भी स्मच कर दूंगा और अब हम लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगा लेंगे सो so, इस तरह हमारा आई मेकअप हो चुका है अब हम लैशेस लगाएंगे की लैशेज के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाली लैशेस और डॉलर स्टोर वाली वैसे आपसे प्यारी हैं और ये है बिली लैशेस इनका नाम है एंजेलिक विंक तो लैशेस को लगाने के लिए ग्लू भी मैंने उन्हीं का लिया है ये भी बिली ग्लू है लेट्स सी ये ग्लू कैसा काम करता है ग्लू लैशेस पे इतना ज्यादा लगा हुआ है कि अम, अगली दिख रहा है वो अब वो उतरेगा कैसे दिखता ही रहेगा मुझे लगता है मेरी लुक के नीचे से भी अब ये ग्लू लगाते हैं मैं स्केयर्ड हूँ क्योंकि मैंने कभी कोई और ग्लू यूज नहीं किया और मैं करना डॉलर स्टोर वाला ही चाहती हूँ नो 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 यार मेरे कपड़ो पे गिर गया ये कि ग्लू है सड़ा जा क्लियर ग्लू है यार मेरी ना नेचुरल लैशेस को भी खतरा ही यार यार निकल रहा नहीं पा जब निकला तो सारा मेरे कपड़ों पे गिर गया Oh no, बहुत रनी है ये ग्लू ये ग्लू ना वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट वाला है मेरा टॉप खराब हो गया एक्चुअली <laughs> मुझे लग रहा है जो का ग्लू नॉट oh, अगेन यार जब प्रोडक्ट इतना गंदा हो तो तभी लोगों से लैशेज नहीं लगती वो ना ऐसी ऐसी चीजें थी ले लेते हैं फिर लैशेज नहीं लग गया फिर वो कहते हैं कि लैशज ही खराब आर मेरी ड्रेस एक दूसरे के साथ खुद से चिपक जाएगी क्या करूँ अब मैं इसका सो लैशेज के ग्लू को थोड़ा ड्राई होने देते हैं मुझे लग रहा था कि मैं ब्राउन्जर लेके आई हूँ लुक काइज ब्राउन्जर मिल गया सो इस ब्राउन्जर के साथ आ, ये ब्राउन्जर का ब्रांड है कॉस्मिक कलर्स एंड शेड है ब्राउन्स नंबर सिक्स सो ये कुछ इस तरह का दिखता है शेड अच्छा है सो so, इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ मेरे काउंटर को थोड़ा सा आ, वाइब्रेंट करेंगे ताकि विजिबली दिखना शुरू हो जाए मैं काउंटर की स्टिक्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ पाउडर को क्योंकि उससे एक तो आपका मेकअप सेट हो जाता है गॉड माइगा वर्त ये तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है लाइक पिगमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी अब तो मैं कोई और ही बंदा लगना शुरू हो गई हूँ चिंता ना करें गाइस इसे फिक्स करते हैं हम थोड़ी देर में पहले मैं लैशेज लगा लूँ और वो लैशेज़ बाद जो बहुत ही ड्राई हो जाना गाइस ग्लू बहुत बेकार है चिपक ही नहीं रहा ये तो सो तब तक मैं ना ये वाले ब्राउन्स को मेरे ब्रश पे लेके मेरी आईज को थोड़ा सा और आ, स्मोक आउट करती हूँ तो यहाँ पे लगाऊँगी मैं देन अंदर की तरफ देन बाहर की तरफ यार दादा ग्लू है ना तो आई मेकअप भी ख़राब हो जाता है मेरा हो ही रहा है अब सो सेम ग्लू के साथ मैं लैशेज़ को एक बार फिर से लगाने की कोशिश करूँगी आई होप लग जाए पर ये ग्लू जीरो ही लग रहा है पर मैं अदर ग्लू यूज़ नहीं करना चाहती हूँ यू नो वट गाइज जिदा दी लगी लगी बिकॉज यही तो फिर है डॉलर स्टोर राइट right? बहुत ज़्यादा बेकार ग्लू है इनका लैशेज़ की शेप भी ना ये और ये लैशज़ की मैच नहीं करी एक दूसरे के साथ सो डोंट वरी मैं ना अपना ग्लू यूज़ करती हूँ फिर अब मैं फाउंडेशन ब्रश के साथ इससे ना थोड़ा सा स्म लाइट कर दूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही दिख रहा है ओके okay, सो so मुझे ग्लू यूज़ करना पड़ेगा ड्यू ब्रांड का सो so, अगर मैं ग्लू को यूज़ नहीं करूँगी तो फिर आप जज नहीं कर पाएंगे मेरी पूरी लुक को क्योंकि फिर लैशेस उखड़ी उखड़ी अजीब लगती हैं या फिर लैशेस लगाए नहीं पर लैशेस मैं लगाना चाहती हूँ लैशेस मैं इसलिए लगाना चाहती हूँ क्योंकि तभी तो फिर मेरी मेकअप लुक फुल होगी क्योंकि अदरवाइज़ मैं हमेशा लगाती हूँ अब वो सड़े से ग्लू के ऊपर ये अच्छा ग्लू लगाना ओके okay, लिपस्टिक के लिए मेरे पास है दो ऑप्शन एक है नूड और एक है पिंकिश कलर की मुझे लगानी तो oh, so, so, पड़ेगी अः लॉन्ग लास्टिंग कम्फर्ट शेड का क्या नाम है शेड का नाम नहीं है नंबर ये जीरो टू पर आप ध्यान से देखे तो इन्होंने अपनी पैकेजिंग ना नेक्स की लिपस्टिक जैसी की है कॉपी कर लेते हैं ये बच्चा लेते हैं ये लोग। वैसे लिपस्टिक ना अप्लाई तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है काफ़ी अच्छा फार्मूला लग रहा है काफ़ी लाइट वेट भी है एंड फॉल या विंटर के लिए परफेक्ट है शेड है। या, <laughs> यार ये ही हो लग गए तेरी ऊपर नहीं हो रही है हां दिखते ना जाओ <laughs> जाओ जा। यार ना करो तो भैया रंग मेकअप छोड़ के डाल लेते हैं ना बट लैश यही प्रॉब्लम है कि ना जी नहीं है और मुझे ऐसा होता है जब लैश सही नहीं है अगर सही ना हो एक को एक जैसे मैच ना करती हो तो एक आँख आपकी छोटी एक बड़ी लगती है काना लगता है बंदा सो so, लैशेज़ का सही होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सो so, लैश को प्रेस कर लेंगे अब हम सो so, ना ये वाली साइड बैठ नहीं रही क्योंकि ना इक्को जी नहीं है लैशेज वैसे सही है लाश ना ये वाली ऊपर ये वाली नीचे है क्योंकि मैंने बहुत बार लगाने की कोशिश कर ली है नहीं हो रही है क्योंकि इनकी शेप एक दूसरे से मैच नहीं करती है इसीलिए ये डॉलर की है सो so, अब हम यूज़ करेंगे लाइनर जो कि है ये लिक्विड लाइनर कॉस्मिक कॉस्मिक कलर्स सो मेरे पास बेसिकली दो ही ब्रांड की चीज़ें हैं कॉस्मिक कलर्स एंड एले कलर्स सो अब आई होप ये फेल्ट का इनका है नो फेल्ट ब्रश ही है तो इसी से मैं लाइनर लगाऊंगी सो जैसा मेरा यूजअल तरीका है इनर कॉर्नर की तरफ एंड आउटर दैट्स इट लाइनर uh, की अच्छी पिगमेंटेशन है समटाइम uh, कलर आता ही नहीं है वो होते लाइनर वैसे ना थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही है मैंने लगाया है तो मेरी आँख में चला गया है और आँख में तो ऐसे लग रहा है विक्स की तरह ओ oh, नो no. बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही है वो गाइस कैन सी बह के नीचे तक आ गया शिट 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 आई हेट दिस स्टूपिड फीलिंग ओके सो जो दोस्तों की प्रॉब्लम है ना कि उनका लाइनर उनकी आंखों में आ जाता है तो लाइनर की प्रॉब्लम है वो ना ज़्यादा लिक्विड है वैसे लिपस्टिक काफी ज्यादा कंफर्टेबल है सो mm. so, यहाँ से अजीब लग रही है वैसे लिपस्टिक का शेड अच्छा है ऑल राइट right, दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप कैसे लग रहा है मेकअप नॉट बैड लग रहा है पर अगर आप नजदीक से देखें तो मेरे हर चीज को मेरे चेहरे के हर एक इम्परफेक्शन को हर एक इम्प्योरिटी को इस मेकअप ने हाईलाइट कर दिया क्योंकि फाउंडेशन की की कवरेज अजीब किस्म है ब्लश ने भी हाईलाइट कर दिया क्योंकि उसमें चमकी चमकी है कुछ लैशेज uh, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही तो ये उच्ची नीवी लग रही है साथ में मैनेज कर सकती हूँ आई लुक इज ओके नेचुरल किस्म की लग रही है क्योंकि ब्राउनजर एंड ब्लश एंड एक ही शेड के साथ तैयार किया आईब्रोज ओके रमन के, के आईब्रोज ठीक होते हैं आप यूज कर सकते हैं लिपस्टिक की कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा अच्छी है और ऐसे फील नहीं हो रहा कि मैंने मैट लीक लिपस्टिक लगा के रखी है क्योंकि जब मैं लगाती हूँ वो वैसे पैचीसी हो जाती है जो अच्छे ब्रांड नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लाइक डी के जैसी फील हो रही है मुझे जैसे जब मैं लॉलिता लगाती हूँ ना वैसे लिप्स पे फील हो रही है सो काफ़ी अच्छी है इसके और शेड्स आप ट्राई कर सकते हैं आई शेडो की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी नहीं थी एंड और क्या है ब्लश अच्छा है अगर आपको शाइनी ब्लशेज अच्छे लगते हैं और ब्राउनजर बहुत अच्छा था कॉस्मिक कलर्स का ये ब्राउनजर है जो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसने फिर मैंने चेहरे को अच्छी शेप दे दी सो ये आप ट्राई कर सकते हैं और इसमें कोई भी शाइन नहीं है सो so, ये एज अ काउंटर आप यूज कर सकते हैं पर जब आप इसको नज़दीक से देखें ना ऐसे लग रहा है कि मिट्टी है ये मिट्टी वर्ग लग रहा है आई होप आम मेकिंग सेंस मिट्टी वर्ग का भी प्रोडक्ट लग रहा है कभी कम सेलर ठीक था अगर मैं मेरे मेकअप की पूरी लुक को अकेले कंसीलर के साथ करती तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा कवरेज आती और ज़्यादा अच्छा होता शेड पर एंड ऑफ द डे हम लोग कामयाब हो गए हैं चेहरे को गर्दन के साथ मिलाने में दैट्स अ वेरी बिग डील क्या मैं ये प्रोडक्ट दोबारा यूज़ करूँगी मुझे लगता नहीं मैं करूँगी लिपस्टिक कर सकती हूँ अदरवाइज मैं नहीं करूँगी मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करती हूँ कि आप ये वाले प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज़ करें क्योंकि पता नहीं कैसे बने हैं और कौन कैसे इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें और आपकी स्किन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं पैसे जोड़ लें जो मर्जी कर लें पर वही ब्रांड लें जो आपकी स्किन को ख़राब नहीं करेगा क्योंकि अगर स्किन ख़राब हो जाएगी तो और पैसे लगेंगे उसको सही करने में और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सो so, मत करना बाकी आई शो यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत ब्राउनजर कर सकते हैं पर फाउंडेशन नो सो so, आई होप आपने ये प्यारी सी वीडियो को इन्जॉय किया होगा जिसमें हमने किया है फुल फेस डॉलट्री मेकअप मुझे लगता नहीं था कि मैं ये कभी वीडियो करूँगी पर मैंने कर ली है आई होप आपने इन्जॉय किया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को एंड कमेंट बारे में बताना कि और ऐसी कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइज अ वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग यू गज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स इट इजी पीजी लेम्स को इजी बाय लव यू